बैतूल जिला प्रशासन की टीम ने बदमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार की रात चिखलार गांव में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की। हालांकि वन तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। दरअसल बैतूल तहसीलदार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चिखलार गाँव में श्याम ध्रुवे के खेत पर रात में पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। सूचना के आधार पर तहसीलदार ने राजस्व विभाग के अमले के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में सागौन और अन्य प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी बरामद की। हालांकि वन तस्कर मौका पाकर भागने में सफल हो गया। फिलहाल अधिकारियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बैतूल तहसील के ग्राम चखलार में श्याम ध्रुवे के खेत में मुझे मोबाइल से सूचना मिली है कि अवैध वृक्ष कटाई जारी है, तो मैं मौके पर पटवारी एवं अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित हुआ। श्याम ध्रुवे के खेत पर अवैध वृक्ष कटाई हुई है, जिसमें 3 सागौन के वृक्ष एवं 3 महुआ के वृक्ष एवं 1 जामुन एवं आलपाल के वृक्ष कटे होने पाए गए हैं, जिसमें जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया है और एक ट्रैक्टर भी जिसमें लकड़ी आलपाल की रखी हुई वो भी जब्त किया गया है। बाकी कल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अनुमानित लागत कितनी होगी इन सभी वृक्षों की? अभी नाप नहीं हुआ है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, कल ही बता पाएंगे उसको।